हरियाणा में जरूरी सामान की दुकानों के साथ साथ शराब की दुकानें भी खोली गई है। हालांकि यह भ्रम दूर हो चुका है कि शराब के पास कोरोना का कोई मुकम्मल इलाज है। एक पत्रकार ने देखा कि हरियाणा में शराब की दुकानों के आगे लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और लोग दारू खरीदने में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ऐसे में इसी पत्रकार ने हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से सवाल पूछ लिया कि अब तो डॉक्टर भी कह चुके हैं कि शराब कोरोना का कोई इलाज नहीं, फिर भी लॉकडाउन में शराब की दुकानें खुली हैं। दुष्यंत का कहना था कि शराब के आदी लोग अगर शराब नहीं पिएंगे तो थोक भाव में बीमार पड़ेंगे और अस्पतालों की ओर भागेंगे। जहां अस्पतालों में पहले से ही बेड, नर्स और डॉक्टरों की कमी है, वे कोरोना का इलाज करेंगे या बीमार शराबियों का? सो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के दौर में शराब की दुकानें खुली रहे तो यही अच्छा। सरकार का ख्याल वाकई अच्छा है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।